हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के साथ जो जीएस का पेपर आया था उसका आंसर्स क्या होगा। ठीक है, जीएस का पेपर वन पार्ट वन देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के साथ तो पार्ट टू हम लोग कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो पार्ट वन देखते हैं जनरल स्टडीज का। ठीक है, जो पेपर टू हुआ है कंप्यूटर साइंस के साथ का जीएस का। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे आंसर्स एकदम सही है, मैंने गूगल पे चेक करके बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 180। द वैल्यू ऑफ 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 डैश का 1+1/120, द राइट आंसर इज 60.5। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन आंसर ये सही है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आवर 30 मिनट। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 1/11, ए आंसर। पिज्जा बॉय डिलीवर्ड वाला का आंसर हो जाएगा डे टू। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ए रूम इज 18 मीटर अलॉन्ग विद द कार्पेट 75 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आया है 7.5 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पर्सन ए एंड बी कम्प्लीट अ टास्क इन 15 डेज। वेन दे वर्क टूगेदर पर्सन ए कम्प्लीट द टास्क इन 20 डेज। इफ ही वर्क्स अलोन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश द टास्क अलोन। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आया है 60 डेज। 60 इज द राइट आंसर। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11। इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3। आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर इज 3/8। सी इज द राइट आंसर। ओके, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द एन आइसोट्रॉपिक सोर्स ऑफ टू कैंडल प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स इक्वल टू 8 पाई लुमेन इज द आंसर। द स्प्रे बॉटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउसहोल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रेयर वर्क ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। ओके, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट इज व्हाइट लीड इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। Which one of the following elements has the largest atomic radius? Largest atomic radius more than one of the above हो जाएगा। Lithium, beryllium, boron के साथ साथ, तो इसका answer more than one of the above. D is the right answer. 13th number question पे चलते हैं। हम English version वाला question कर रहे हैं क्योंकि computer science का generally लोग English version में ही देता है। तो 13th number question पे चलते हैं। आप लोग हिंदी में है तो मिला लीजिएगा answer. The phenomenon of photoperiodism in plants was discovered by Gerhard and Allard. This is the right answer, A. 14th number question is Silent Valley of Kerala is preserved because it contains very rare species of plants and animals. This is the right answer, not B. The soil is rich in mineral is not the right answer. I have checked in Google. So the right answer is Silent Valley of Kerala is preserved because it contains the very rare species of plants and animals. 15th number question pe chalte hain. During normal respiration in a mammal, the diaphragm is flattened. Flattened is the right answer, B option. 16th, the most important cell type associated with the immunity of the body is lymphocytes. Lymphocytes is the right answer. 17th number question, the book entitled Gyan Deepak was authorized by a great saint. The answer is Salar Masurga ji. Okay. Which agency in India has launched Utsah portal? Utsah portal, UGC agency has launched. 19th question, the APJ Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission was launched on 19th February 2023. C is the right answer. In which city was the first pure green hydrogen plant commissioned? So, pure hydrogen plant commissioned was none of the above is the right answer because it is planted in Jorhat. Jorhat mein hua tha iska answer tha Jorhat. ठीक है? तो none of the above होगा. इसमें से Jorhat कोई नहीं है. 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूने एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ओके, ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2020 नोबेल पीस प्राइज। एलेस बायलास्की, ए इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज अपॉइंटेड बाई द बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा, सेकेंड ऑप्शन। 23 क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ाई। कोई सारे आंसर लोग मालूम है, ये आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट से लगाना है, ठीक है, मतलब
पूरब से लेके पश्चिम का लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2341। फर्स्ट आएगा नमरूक, उसके बाद ओबरा, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद कोटा। ओके, सी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू त्रिवर्ता। त्रिवर्ता का आंसर हो जाएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन मैं गूगल पे चेक करके बता रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एट हैदराबाद। तो 15th अक्टूबर इज द राइट आंसर। ओके, 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन। गोवा, गोवा इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, मलनाड रीजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटका प्लेट्यू इज द राइट आंसर, सी। 30 नंबर क्वेश्चन, साउथ पेनिसुलर अपलैंड इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज 8.58। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू साउथ ऑफ गंगा रीजन इन बिहार। तो पटना वैशाली इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। नन ऑफ द आंसर, बिकॉज द प्रॉफिट ऑफ द न्यू इंडिया इज कॉल्ड एज राम कृष्णा इज द राइट आंसर। ओके, सो राम कृष्णा इज नॉट देयर, सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर, डी इज द आंसर। 34, हु विच रिवोल्ट इज मेंशनड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सन्यासी। ओके, ए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भट्ट इन लंदन, सॉरी आई एक्सक्यूज मी प्लीज, अभिनव भारत इन लंदन, फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन, बी विनायक दामोदर सावरकर इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड, गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 37 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ बाई बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से कौन चीफ कमांडर हुए थे, सुंदर मुंडा। ठीक है, सुंदर मुंडा इज द राइट आंसर। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फूलन प्रसाद वर्मा एंड जय प्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। इन्होंने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्मड विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट पटना। 1908 इज द राइट आंसर, 1908। लास्ट क्वेश्चन है कि हु एस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ द अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो सचिंद्रनाथ सन्याल इज द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी डाला हुआ है और हम दोनों एक साथ मिला के वीडियो मर्ज करके दे देते हैं, आपको देख लीजिएगा। बट ये जीएस का आंसर था। ओके, आप तो मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कंटेंट मैंने एकदम चुना के डाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर टीचर का क्वेश्चन, जो कंप्यूटर साइंस बीपीएससी टीचर में आया हुआ है, उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम दिए हैं पार्ट टू का देखते हैं, पेपर टू का है ये, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। 44 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। तो कंपाइलर के लिए ये सारे स्टेटमेंट सही है, इफ द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, the output of the compiler is object code, more than one of the above. The answer is yoga D option. 45 number question hai, dash is used to, sorry, 43 number pe chalte hain, theek hai? Which language does a browser use to display the information from the world wide web? The iska answer koi bhi nahi hoga, none of the above. Chaliye 45 number question pe chalte hain. Dash is used to shift the process so they are contiguous and all the free memory is used in one block. This answer is compaction. चलिए next question पे चलते हैं। Which of the following is not a valid variable name in most programming languages? This answer is 1, 2, 3 variable. 47 number question पे चलते हैं। The secondary memory is the long-term store for programs and data, while main memory holds program and data currently in use. What kind of an organization is this? तो ये है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 नंबर पे चलते हैं। इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय सी प्लस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर्स इन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर पे चलते हैं। ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज, तो ये आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है कंपाइल के लिए, तो अल्ट प्लस F9 भी होता है, अल्ट प्लस F5, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। 51 पे चलते हैं। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टू कंट्रोल अदर यूनिट्स, तो ये कंट्रोल सिग्नल्स हो जाएगा। चलिए 52 नंबर पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस, हेडर फाइल के लिए एच यूज करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाई सीपीयू इज, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमीडिएट तीनों होता है। 54 पे चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। 55 पे चलते हैं। इन वेरियस डिवाइसेज डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड, डाटा ट्रांसफर स्पीड में बफर रजिस्टर के यूज करते हैं। What do we use to extend the connectivity of the processor bus? Processor bus के लिए extend क्या करते हैं connectivity का? तो PCI bus is the right answer. In memory mapped input output, what will be the correct? The input output devices and the memory share the same address space is the right answer. What is addressing call that is used in instruction of from the addxy? The addxy का क्या हो जाएगा? Absolute. चलिए 59 नंबर पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिक्लेयर्स इन एरे इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस एरे में ये कोई भी बता देगा इंट एरे 10, सी ऑप्शन करेक्ट। एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल, व्यूज जो होता है वो वर्चुअल टेबल होता है, सिंपल टेबल थोड़ी होता है एसक्यूएल व्यूज, कॉम्प्लेक्स टेबल भी नहीं होता, एसक्यूएल व्यूज यानी वर्चुअल टेबल, बी इज द राइट आंसर। चलिए 61 पे चलते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल, प्राइमरी कीज ओनली वन होता है टेबल में, किसी भी SQL टेबल में प्राइमरी की एक ही होता है, फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन प्राइमरी की एक ही होता है, प्राइमरी की मतलब नॉट नल प्लस यूनिक वैल्यूज होता है, तो एक ही होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? एरर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टेंट इन SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कंस्टेंट कौन सा नहीं है, तो ठीक है प्राइमरी की कांस्टेंट होता है, नॉट नल कांस्टेंट होता है, चेक कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन, यूनियन कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यूनियन एक तरह का फंक्शन होता है, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, ये कांस्टेंट नहीं होता है, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होता है लेकिन कंप्यूट नहीं होता, तो बी आंसर हो जाएगा। Who is the father of the computer? Computer का father कोई भी जानता है, Charles Babbage. Next question पे चलते हैं। If we have not specified ASC or DESC after an SQL order by clause, which of the following is used by default? Default के लिए ASC SND character में होता है, B option. 67 चलते हैं। In IA32 architecture, along with the general flags, which of the following conditional flag is provided? Conditional flag provided होता है, तो तीन option से होता है, more than one पे हो जाएगा, D option. 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is true about the having rows? फ्रेंड्स ये अलग अलग सेट का है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है कंप्यूटर का, तो आपको कंट्रोल फाइंड करके आंसर लगा लीजिएगा। Having क्लॉज में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप रेदर देन रोज, ग्रुप से रेदर रोज को ये ग्रुप नहीं करता है, तो ये सिमिलर टू वेयर क्लॉज, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। चलिए 69 पे चलते हैं। The method of accessing the input output devices by repeatedly checking the status flag is, तो status flag से क्या हो जाएगा? Program control input output हो जाएगा, ठीक है, A option. 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash clause creates temporary relation for the query on which it is defined, तो ये with हो जाएगा, with clause होता है, ठीक है, 70 नंबर का। 71 है। The SQL statement select around 65.726, -1 from dual, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रिंट करेगा ये 70 प्रिंट करेगा, ठीक है।
चलिए 72 नंबर पे चलते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन्स एम रोज एंड एन कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स इफ, ए आंसर हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एम इनटू एन बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। तो इसका ट्रांजेक्शन सेव कौन सा करता है, तो कमिट, कमिट ही प्रोग्राम को सेव करता है, रोल बैक तो उसको फिर से वापस लाएगा, ठीक है, ट्रंकेट नहीं होगा, कमिट इज द राइट आंसर 73 का बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। बेसिक अप्रोच क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये ज्वाइनिंग के लिए नॉर्मल कॉमन है टेबल ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, ये जो टू और मोर टेबल को कंबाइन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। 75 पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम, तो इसका आंसर हो जाएगा ON, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर, और हम जो भी आंसर बता रहे हैं वो एकदम फाइंड करके सही आंसर बता रहे हैं, इसके अलावा आपको सारे आंसर नहीं मिलेंगे कहीं भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर, इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। Which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? Stack हो जाएगा, recursive algorithm के लिए stack का use करते हैं। 78 number question पे चलते हैं। What is the postfix expression for the corresponding infix expression? A plus B into C plus D into E. तो इसका answer हो जाएगा A B C into plus D star plus. A answer is the right answer. 79 पे चलते हैं। Which of the following is not the type of the queue? तो ये कोई भी queue नॉट लिनियर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल इंडेड क्यू होता है, नॉन ऑफ द आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। 80 नंबर पे चलते हैं। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज अंडरफ्लो, अंडरफ्लो इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 पे चलते हैं। 81 क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 30, 40, 50, जो भी लगाए हैं सही है। 82 नंबर चलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द एंड्स इज डी क्यू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख रहे हैं डेटाबेस से क्वेश्चन बहुत सारे कुछ है। इन इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्सिमम साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, फ्रंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड द रियर पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज्ड एज पर द सर्कुलर क्यू। अच्छा सर्कुलर क्यू के लिए क्या होता है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 84 पे चलते हैं। विच व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, तो ये आंसर हो जाएगा परफॉर्म पुश विद पॉप एज द कॉस्टलियर ऑपरेशन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 85 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में कौन सा यूज नहीं होता है, तो रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सब दोनों होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज होता है, रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल इज द राइट आंसर। 86 चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं होता है, ठीक है, तो सिंगल यूजर एक्सेस ओनली ये फीचर नहीं होता है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट का क्या आंसर हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक इज इजियर देन द सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सी इज द राइट आंसर। 88 पे चलते हैं। द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंशियल रिलेशन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। 89 नंबर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू बट द बाइनरी सर्च ट्री पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे सही है। द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ab + bc + ac शोस द sop ऑपरेशन, sop हो जाएगा आंसर बी। 91 है। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, som एंड pom। 92 पे चलते हैं। Derive the Boolean expression for the logic circuit. ये picture दिया होता है, इसका answer हो जाएगा C into A plus B into D. A is the right answer. 93 पे चलते हैं। Boolean algebra can be used as. ये तीनों option सही है, more than one of the above. 94 पे चलते हैं। What does the control unit generates to control other units? The control signal. Control यानी control signal. To display time in railway station which the digital circuit is used. 7 segment decoder. रेलवे स्टेशन पे डिजिटल सर्किट का कौन सा यूज होता है, 7 सिग्मेंट डिकोडर।
96 पे चलते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर. 97 नंबर पे चलते हैं. विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर फॉर हब और हब. इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी द राइट आंसर. 98 ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब. कोई भी बता देगा वर्ल्ड वाइड वेब. 99 पे चलते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसमिशन प्रोसीजर. तो इसका आंसर हो जाएगा IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड सी आंसर. 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम. तो इसका आंसर हो जाएगा फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल द यूजर. ठीक है. 101 का चलते हैं. विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम. तो मीडियम पे डिपेंड कौन होता है. मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर. बी इज द राइट आंसर. 102 पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा नहीं है. पीयर टू पीयर नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है. रिंग बस होता है टोपोलॉजी. How do structures and classes in C++ differ? तो इसका आंसर हो जाएगा इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट. बी इज द राइट आंसर. 104 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर्स इट बिकम्स SMTP क्लाइंट. ए ऑप्शन. द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज नन ऑफ द अबव. इसका तीनों में से कोई भी नहीं होगा. व्हाट इज द यूज ऑफ IOS ट्रंक मोड. इसका आंसर हो जाएगा टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो. ट्रंक मोड यानी ट्रंकेट. टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो. 107 क्वेश्चन पे चलते हैं. विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक करस्पोंडेंस टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर. तो होस्ट टू होस्ट हो जाएगा. ठीक है. ए ऑप्शन. 108 नंबर पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. वन और थ्री. ये वाले गलत स्टेटमेंट है. ठीक है. फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 109 नंबर पे. कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड. पिंग कमांड का क्या है. तो पिंग समराइजेस द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन द टू IP एंड पॉइंट. सी इज द राइट आंसर. 110 पे चलते. द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू अ फ्लोट ए पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ कैर एंड रिटर्न्स पॉइंटर टू द पॉइंटर टू एन इंटीजर. इसका आंसर हो जाएगा इंट स्टार फंक्शन फ्लोट स्टार कॉमा कैरेक्टर डबल स्टार. सी इज द राइट आंसर. प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय रिसीवर इज द राइट आंसर. 112 पे चलते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड. तो इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनने के लिए आपको सारे ऑप्शन सही होंगे. मोर देन वन ऑफ द अबव. इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म. 114 नंबर पे चलते हैं. व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये आंसर हो जाएगा क्लास डिराइव क्लास नेम एक्सेस बेस क्लास नेम डिफाइन क्लास बॉडी. बी इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ इज एरे फंक्शन इन C++. इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट. ए ऑप्शन. 116 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्लास. क्लास क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास इज द राइट आंसर. ठीक है. 117 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द फॉलोइंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है. चलिए 118 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका भी आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. 119 पे चलते हैं. विच फीचर ऑफ द ऊप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड. इसका आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस. ऊप लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है. ऊप कॉन्सेप्ट का. विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेचुरल एलिमेंट्स इन द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स. तो कंप्यूटर चिप्स में प्राइमरी एलिमेंट कौन होता है. तो सिलिकॉन होता है. डी बी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू.